नमस्ते बच्चों, आज मैं मैथ का परसेंटेज चैप्टर लेकर चल रहा हूं और परसेंटेज का बेसिक थीम से चर्चा करूंगा। आइए, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता कहा जाता है। अब देखो बच्चों, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के सिंबल पर चर्चा करते हैं। ये प्रतिशत का सिंबल हो गया, ये प्रतिशत का सिंबल हो गया। इस सिंबल को जब हटाऊंगा तो क्या होगा। जब किसी भी संख्या में प्रतिशत का सिंबल दिया होगा तो इस सिंबल को हटाने के लिए बट्टा 100 लिखा जाता है। इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। जहाँ पर प्रतिशत का सिंबल होगा और उस सिंबल को आप भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 1/100 से गुना करना होगा। एग्जाम्पल के लिए 15%, यहाँ पर 15% लिखा गया है और इसे कहेगा भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, 15 × मैं क्या बताया था, प्रतिशत जो सिंबल है इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/100 होता है। प्रतिशत सिंबल का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ पे 15% है तो 15 × अब यहाँ प्रतिशत है इसका 1/100। तो 15/100, 1 पे 00 है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो 0.15 हो गया। अगला देखिए, अगर यहाँ पर 7% लिखा गया हो, 7% हो और कहेगा 7% को आप भिन्न के रूप में बदलो तो क्या करना होगा, तो 7 × मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रतिशत सिंबल का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। आइए तो 7%, तो 7 × प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 7/100, अब एक पे हर में 1 पे 00 है, 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो 7, 2 अंक पूरा करने के लिए 0 दशमलव, तो 0.07 आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेके करता हूँ। अब यहाँ पर 25% लिखा होगा, 25% को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें तो आइए तो 25 × 1/100, तो 25/100, हर में 1 पे 20 है, 2 अंक बाद हम लोग बैठा दूंगा तो 0.25। तो इस तरह से जब प्रतिशत के रूप में दिया होगा तो भिन्न के रूप में आप कन्वर्ट करना सीख गया। आज पहला क्लास है और बिल्कुल आज हम लोग बेसिक थीम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, तो प्रतिशत कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब कहेगा 5% वृद्धि करने पर, 5% वृद्धि करने पर या 5% कमी करने पर 5% लाभ होगा या 5% हानि होगा। आइए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर कहेगा 5% लाभ होगा तो उसमें 5 जोड़ देना होगा, क्या करना होगा, 5 जोड़ देना होगा। कहेगा 10% हानि होगा, हानि मतलब कमी, हानि कहेगा तो 100 में से घटा लूंगा और लाभ कहेगा, अधिक कहेगा तो 100 में उतना जोड़ दूंगा। अब कोई भी संख्या ले लेता हूं, एक संख्या मैं 200 ले लिया, एक संख्या 200 ले लिया। अब कहता है इस संख्या में 10% वृद्धि करने पर, इस संख्या में 10% वृद्धि करने पर तो नई संख्या क्या होगी। अब देखो बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं कोई भी संख्या मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। कितना होती है, 100% होती है। अब मूल संख्या 200 है, अब ये अपने आप में 100% है। अब कहता 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करने पर तो इसमें
10 जोड़ दूंगा, तो एक ये अपने आप में 100% है, 100 प्लस 10 110, 110 बट्टा 100, क्योंकि परसेंट सिंबल हटेगा बट्टा 100 होगा, 0000 220 आंसर हो गया। तो यानी कि जब वृद्धि कहेगा, लाभ कहेगा, क्योंकि मूल संख्या अपने आप में 100% होती है, जैसे ही लाभ कहेगा तो उसमें 100 में उतना जोड़ दूंगा, हानि कहेगा तो उतना घटा लूंगा, हानि कहेगा या कमी करने कहेगा तो 100 में से घटा लूंगा, लाभ कहेगा या वृद्धि कहेगा तो 100 में उतना जोड़ दूंगा। अब आइए एक संख्या ले लेता हूं, एक संख्या 500 है और कहेगा इस संख्या में 10% कमी करने पर, इस संख्या में 10% कमी करने पर, तो नई संख्या क्या होगी, तो 500 × अब देखो बच्चों मूल संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 10% कमी करने पर, तो 100 में 10 घटा दूंगा, 90/100, 0000, 450 आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने जाना, कोई भी संख्या मूल संख्या अपने आप में 100% होती है, वृद्धि करने पर, लाभ होने पर 100 में उतना जोड़ देता हूँ, घटाने पर या हानि होने पर 100 में उतना घटा देता हूँ। अब आइए अगला बिंदु पर चलता हूँ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा मूल संख्या। लाभ प्रतिशत या वृद्धि परसेंट, लाभ परसेंट को वृद्धि या लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ वृद्धि या वृद्धि या लाभ गुने 100, वृद्धि या लाभ प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि या लाभ गुने 100 बट्टा मूल संख्या, कमी या हानि प्रतिशत बराबर होता है कमी या हानि गुने 100 बट्टा मूल संख्या, वृद्धि या लाभ प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि या लाभ गुने 100 बट्टा मूल संख्या, कमी या हानि बराबर होता है कमी या हानि गुने 100 बट्टा मूल संख्या। अब एग्जाम्पल लेकर चेक करता हूं, अब कोई संख्या मूल संख्या आपका मूल संख्या 100 है, मूल संख्या 100 है और नई संख्या जो है 125 है, मूल संख्या 100 है, नई संख्या 125 है, तो यहां पर मूल संख्या से नई संख्या, अगर मूल संख्या से नई संख्या ज्यादा होगा तो वृद्धि होगा या लाभ होगा, वृद्धि होगा या लाभ होगा, अब मूल संख्या से नई संख्या छोटी होगी तो हानि होगी या कमी होगी, तो यहाँ पे मूल संख्या 100 है और नई संख्या 125 है, मूल संख्या से नई संख्या ज्यादा होगी तो लाभ होगा या वृद्धि होगा, आइए तो मूल संख्या 100 है और नई संख्या 125 है, तो अब देखिए मूल संख्या 100 और नई संख्या 125 कितना का वृद्धि हुआ, तो यहाँ वृद्धि, तो 125 में से नई संख्या में से मूल संख्या घटा दूंगा तो 125 माइनस 100 यानी कि 25 हो गया, जब वृद्धि होगा तो वृद्धि परसेंट निकालना होगा, जब वृद्धि होगा तो वृद्धि परसेंट निकालना होगा, वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है वृद्धि गुने 100 बट्टा मूल संख्या, वृद्धि 25 निकला, वृद्धि परसेंट बराबर होता है वृद्धि 25 × 100 बट्टा मूल संख्या 100, 100 कट गया तो 25 आपका आंसर हो गया, वृद्धि परसेंट बराबर 25% आंसर हो गया। एक और संख्या लेकर चेक करता हूं, अब देखो बच्चों मूल संख्या 600 ले लिया और नई संख्या 630 ले लिया, मूल संख्या 600 ले लिया और नई संख्या 630 ले लिया,
मूल संख्या से नई संख्या ज्यादा होगी तो वृद्धि होगी। अब देखिए मूल संख्या 600 है और नई संख्या 630 है तो वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि इक्वल नई संख्या में से मूल संख्या घटा दूंगा तो वृद्धि इक्वल 30 हो गया। जब वृद्धि होगा तो वृद्धि परसेंट निकालना होगा, वृद्धि परसेंट इक्वल वृद्धि गुणे 100 बेटा मूल संख्या 600 × 56 30 यानी कि 5% का वृद्धि हो गया। तो इस तरह से आपने जाना जब मूल संख्या से नई संख्या ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो वृद्धि परसेंट निकालना होगा या लाभ परसेंट निकालना होगा जिसका फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणे वृद्धि या लाभ गुणे 100 बट्टा मूल संख्या। अब देखो बाबू जब कमी होगा तो मूल संख्या जैसे 400 है और नई संख्या 300, मूल संख्या 400 नई संख्या 300, मूल संख्या से नई संख्या कम होगी छोटी होगी तो हानि होगी, हानि या कमी परसेंट होगी। अब देखो मूल संख्या 400 है और नई संख्या 300 है, मूल संख्या से नई संख्या छोटी होगी तो कमी होगा, तो कमी इक्वल मूल संख्या में से नई संख्या घटाना होगा, 100 हो गया कमी, 100 हो गया। जब कमी होगा तो कमी परसेंट निकालना होगा, कमी परसेंट बराबर होता है यहाँ फॉर्मूला दिया गया है कमी गुने 100 बट्टा मूल संख्या, कमी है 100 इंटू मूल संख्या सॉरी इंटू 100 इंटू मूल संख्या 400 × 00 2500 यानी कि 25% कमी हो गया। इस तरह से आप कमी या वृद्धि जो भी होगा परसेंट निकाल सकते हो, लाभ या हानि निकाल सकते हो, ये दो फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे चलता हूँ, अब एक संख्या है एक संख्या को मैं 400 मान लेता हूं। अब कहता है इस संख्या में पहले 20% वृद्धि करने पर, इस संख्या में पहले 20% 400 क्या कहा, इस संख्या में पहले 20% वृद्धि करने पर, ये अपने आप में मूल संख्या 100 होती है, 100% होती है, उसमें 20 जोड़ना होगा, 20 तो 120/100 मूल संख्या में 20% वृद्धि करने पर और इसके बाद पुनः इस संख्या में 5% कमी करने पर, अब इस संख्या में पुनः 5% कमी करने पर ये अपने आप में ये संख्या अपने आप में 100% हो गई। अब इसमें 5% कमी करने पर इंटू 100 में से 5 घटा दूंगा 95/100 इस तरह से गुना भाग कर दूंगा, जो आउटपुट आएगा वही आंसर हो जाएगा। जितना बार भी कहेगा वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर दूंगा, हानि कहेगा तो हानि कर दूंगा, कमी कहेगा तो कमी कर दूंगा, इस तरह से आप इसका आउटपुट निकाल सकते हो।